हमीरपुर बस अड्डा के सामने खोखा धारकों की जगह की निशानदेही व पैमाइश करवाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा खोखो को हटाने के लिए निर्देश जारी किए जाने के विरोध में खोखा धारक लामबंद होते जा रहे हैं। इस विरोध के चलते हमीरपुर में आज C2 व DYFY की अगुवाई में जनता खोखा यूनियन ने रैली निकाली व गांधी चौक पर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर लेके आए खोखा धारकों ने प्रशासन से खोखो को गिराने के आदेशों को निरस्त करने की मांग की। वहीं खोखा धारकों ने विरोध स्वरूप अपने खोखे भी बंद रखे। जनता खोखा यूनियन के प्रधान किशोरी लाल ने कहा कि 1982 में तत्कालीन सरकार ने 58 कच्चे खोखे लोगों को आवंटित किए थे और आज उन्हें गिराने व हटाने की बात की जा रही है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि 1998 में सरकार द्वारा खोखों को हटाकर सेल्फ फाइनेंस के तहत 50,000 लेकर नए खोखे बनाने का प्रस्ताव लगाया गया था और सभी ने पैसे भी जमा करवाए थे, जिसे बाद में वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि खोखा धारक खाली करने को तैयार है, मगर प्रशासन पूर्व भाजपा सरकार के समय टूरिज्म विभाग के प्रपोजल के अनुसार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करवा कर दे। DYFY के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि प्रशासन से खोखो को हटाने व गिराने के आदेशों के खिलाफ रैली निकालकर विरोध किया जा रहा है और जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि इन आदेशों को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि बस अड्डे के समीप 98 खोखा धारकों के परिवार का जीवन यापन इन्हीं खोखों के माध्यम से होता है, इसलिए प्रशासन को पहले इनको दूसरी जगह स्थापित किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रशासन के द्वारा दूसरी जगह दी जाने वाली जगह को सिरे से नकारा है। आपको बता दें कि 58 खोखा धारकों को जिला प्रशासन ने हटाने के निर्देश जारी किए हैं और कई सालों से खोखा धारकों के पीछे बनाई गई दुकानों में जाने के लिए कहा है, लेकिन खोखा धारकों के जगह खाली ना करने से मामला अटका हुआ है। जो है वो अपने लड़ाई है खोखा सालों में सरकार ने बसाई थी, जब उस वक्त 1982 में यहाँ कच्चे खोखे थे, उस वक्त जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसके जो मुखिया थे वो यहाँ से जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने छोटी दुकान बनाकर अलॉट करा कर 56 खोखे वालों को दी थी। अब अचानक ऐसा फरमान आ गया कि आपको यहाँ से उठा दिया जाएगा। हमारी मांग है कि हम यहाँ से उठने को तैयार हैं, लेकिन जो पीछे हमारा 1998 में जो सरकार थी भाजपा सरकार, उसके टाइम में हमारे 50,000 रुपए जमा हुए थे, सेल्फ फाइनेंस के तहत दुकानें बन रही थी, हम वो बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो जो दुकानें थी वो जब सरकार चली गई तो दूसरी जब सरकार आई तो उसने वो हमारे पैसे वापस कर दिए और वो मार्केट अधूरी रह गई। अतः हम चाहते हैं कि वो मार्केट दोबारा से बना दी जाए और हम पीछे हटने को तैयार हैं, वो दुकानें जो दोबारा से बना दी जाए। और जो दुकानें छूटे हैं और जो पीछे दुकानें हैं वो चार बाई बिल्कुल छूटे हैं, वहाँ पर हमारा व्यापार धंधा चल सकता है। उस टाइम जो भाजपा सरकार थी उन्होंने जो स्कूल पीछे जमीन थी वो टूरिज्म विभाग के नाम बनाई थी, ताकि वो वहाँ पर बढ़िया एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार करके खोखा यूनियन को दिए जाए। जबरदस्ती हटाएंगे तो क्या कदम रहेगा? नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं, प्रशासन हमारी बात मानेगा, हम प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन की मांग है कि यदि खोखे वहाँ रोड चौड़ा करना है तो हमारी मांग है कि पीछे जो खाली स्पेस है जो हमने वहाँ पर अपनी टूरिज्म विभाग के नाम उस वक्त तत्कालीन सरकार ने सरकार बनाई थी तो वहाँ पर बढ़िया करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर दे दें। एक लाइन हमें तो एक लाइन में सबको बसा दिया जाए, हम तो प्रशासन की हर बात मानने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ वार्तालाप करे। एक तरफ तो कमेटी सर हाउस में है, नगर पालिका हाउस में है, ये प्रस्ताव पास कर रही है कि खोखे की जो दुकानें हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है और हम इसको ना गिरने देंगे ना ही उठाएंगे। दूसरी तरफ हमें नोट्स दिया जा रहा है कि आप 15 दिनों में दुकानें खाली करो, तो हमारा गुनाह क्या है? क्योंकि हम नगर परिषद को किराया देते हैं, 40 सालों से किराया दे रहे हैं, हमारे नाम पर नीचे इट्टें बनी हुई हैं। उस वक्त अलॉट की हुई दुकानदार थे, छोटे छोटे दुकानदार है, गरीब लोग। हमीरपुर बस स्टैंड के सामने जितने भी दुकानदार खोखाधारक भाई बहने हैं वो पिछले 40 वर्षों से वहां पर अपना व्यापार अपनी जीवन यापन जो है खोखों और दुकानों के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में वहां पर उनको एक नोटिस जारी हुआ है कि अपने खोखे जो है अपनी दुकानें जो है वो खाली कर दें और बुलडोजर फेरने की बात जो है वहां पर प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है इस तरीके का कार्रवाई होने का वहां पर अंदेशा है। आज हम
जनता खोखा यूनियन के माध्यम से भारतीय जनवादी नौजवान सभा DYFI और CITU के सहयोग से DC साहब के पास इस मांग को लेकर जा रहे हैं कि जितने भी जो परिवार हैं ठुंजा परिवार इसमें आते हैं और उनका जीवन यापन जो है इनका व्यापार यहीं से चलता है, तो उनसे गुजारिश करने जा रहे हैं कि जो उन्होंने नोटिस जारी किया है उस नोटिस को जो है तुरंत निरस्त किया जाए और जब तक जो है एक वैकल्पिक स्थान उनको नहीं मिलता जहां पर उनका कारोबार प्रभावित ना हो। हालांकि प्रशासन ने बहुत छोटी छोटी दुकानें उनके लिए पीछे तैयार की हैं जिनके अंदर जो है उनको लगता है कि उनका व्यापार जो है वहां पर प्रभावित होगा। जिस तरीके का व्यापार आज उनका वहां पर चल रहा है वैसा व्यापार वहां पर नहीं चलेगा, इसलिए एक विकल्प भी जो है हम प्रशासन के सामने वहां पर सुझाएंगे कि एक साइंटिफिक मेथड से वहां पर एक बढ़िया एक कॉम्प्लेक्स जो है इन लोगों के लिए वहां पर बनाया जाए जिसमें जो है बराबर आकार की दुकानों का वहां पर निर्माण किया जाए। सेल्फ फाइनेंस तरीके से भी ये दुकानदार भाई खोखा धारक भाई तैयार हैं कि ये फाइनेंशियल तौर पे भी उसमें सहयोग करेंगे। तो इन बातों को लेकर जो है हम DC महोदय के पास जा रहे हैं और निश्चित तौर पर कोई भी फरमान जो है वो सरकार के इशारों पर भी जारी होता है। बड़े शर्म की बात है कि स्थानीय विधायक प्रदेश सरकार जो है इन मुसीबत के समय इन खोखा धारकों के साथ नहीं है और ठुंजा परिवार जो है इन खोखों के माध्यम से चलते हैं, तो उनके सामने जो है बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे दौर में भारतीय जनवादी नौजवान सभा और CITU जो है हमीरपुर इकाइयां उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वहां पर खड़े हैं और अगर प्रशासन जो है अपनी इस फरमान को वापस नहीं लेता है वहां पर बुलडोजर चलाने का वहां पर प्रयास करता है तो सभी दुकानदार भाई खोखा धारक भाई हम DYFI के साथी CITU के साथी जो है उस बुलडोजर को जो है वहां पर नहीं चलने देंगे। लाइव टाइम्स TV के लिए हमीरपुर से इस सिंह की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स TV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।